1958 दे राष्ट्रमंडल खेडां दे चैंपियन अते 1962 जकार्ता एशियन खेडां विच लगातार दो सोने दे तगमे जीतण वाले फ्लाइंग सिख दे नां नाल मशहूर पद्मश्री मिल्खा सिंह दा देर रात पीजीआई विच देहांत हो गया। ओह 91 सालां दे सन। 5 दिन पहलां उहनां दी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह दा वी देहांत हो गया सी। मिल्खा सिंह नूं 20 मई नूं उहनां दे परिवार दे एक रसोईए दा करोना टैस्ट पॉजिटिव होण तों बाद 24 मई नूं मोहाली दे एक निजी हस्पताल विच दाखल करवाया गया सी, जिथे उहनां नूं 30 मई नूं छुट्टी हस्पताल तों मिल गई सी। पर ऑक्सीजन दे पद्धर डिगण नाल 3 जून नूं पीजीआई विखे नेहरू हस्पताल दे एक्सटेंशन विच मुड़ उहनां नूं दाखल करवाया गया सी। मिल्खा सिंह दा संस्कार अज शाम सैक्टर 25 स्थित शमशान घाट च पूरे सूबाई सन्मानां नाल कीता जाएगा। फिलहाल मिल्खा सिंह दी देह आखरी दर्शनां लई सैक्टर 8 स्थित उहनां दी कोठी च रखी गई है। 20 नवंबर 1929 नूं गोविंदपुरा पाकिस्तान दे एक सिख परिवार च जन्मे मिल्खा सिंह दा छोटे हुंदिया तो ही खेडां विल चुका सी, जिस कारण वह बंटवारे तो बाद भारत आ गए सन। मिल्खा सिंह ने 1958 दियां राष्ट्रमंडल खेडां विच ट्रैक अते फील्ड मुकाबले विच भारत लई पहला सोना दा तगमा जीतिया सी, ते कोई भी इस रिकॉर्ड नूं 56 सालां तक नहीं तोड़ सकिया सी। इस तो बाद मिल्खा सिंह ने 1962 दियां जकार्ता एशियन खेडां विच लगातार दो सोने दे तगमे जीते। यह तगमे उन्हां 400 मीटर रिले दौड़ विच जीते सन। 5 वार दी एशियन खेडां दे सोन तगमा जेतू मिल्खा सिंह नूं पहली बार 1960 विच फ्लाइंग सिख कहा गया सी। यह उपनाम उन्हां नूं पाकिस्तान दे राष्ट्रपति अयूब खान ने दिता सी। 1960 विच मिल्खा सिंह नूं अयूब खान ने भारत पाकिस्तान खेडां लई पाकिस्तान बुलाया सी। मिल्खा सिंह उस देश विच नहीं जाना चाहते सी जो उसने बचपन विच छड़ दिता सी, पर तत्काली प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने जोर दिता ते ओह भारतीय पार्टी दे नेता वजो पाकिस्तान चले गए। मिल्खा सिंह ने 200 मीटर स्प्रिंट विच आसानी नाल पाकिस्तान दे सुपर स्टार अब्दुल खालिक नूं हरा के सोन तगमा जितया सी। तगमे दी रसम विच अयूब खान ने मिल्खा सिंह नूं पहली बार एक फ्लाइंग सिख कहा सी। वैसे तो मिल्खा सिंह ने अपने जीवन विच सब कुछ हासिल किया सी, पर उन्हां दा एक सुपना अधूरा रह गया अते एहो इस सुपने नाल जिंदगी नूं भी अलविदा कह गए ने। मिल्खा सिंह अक्सर कहिंदे सन कि रोम ओलंपिक जाण तों पहलां उन्हां ने दुनिया भर विच घट्टो घट 80 दौड़ां विच भाग लिया सी। इस विच उन्हां ने 77 दौड़ां जीतियां जो एक रिकॉर्ड बन गया सी। मिल्खा सिंह कहिंदे सन सारी दुनिया यह उम्मीदां लगा रही सी कि रोम ओलंपिक विच 400 मीटर दौड़ मिल्खा ही जितेगा, मैं अपनी गलती कारण मैडल नहीं जित सकिया, मैं इन्ने सालों तो इंतजार कर रहा कि कोई दूजा इंडियन ओह कारनामा कर दिखावे, जिसनों करदे करदे मैं खुंझ गया सी। बचपन विच ही माता पिता ते होर परिवारक मैंबरां दे वंड दी त्रास दी दौरान पाकिस्तान च कतल होण कारण अनाथा वर्गी जिंदगी बतीत करन वाले मिल्खा सिंह ने अपनी मेहनत ते बलबूते ते विश्व च अपना नां चमकाया सी। बीती देर रात ओह करोना नाल जंग लड़दे हुए दुनिया तो रुखसत हो गए, पर उन्हां दा नां कई पीढ़ियां तक जिंदा रहेगा। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।